हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं यू कैन वे का प्रीटी ऑल सेट पैलेट का रिव्यू करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे यू कैन वे और प्रीटी ऑल सेट पैलेट पैलेट के ऊपर ही लिखा गया है, उसके बोर्ड पे एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे है और जो मल्टी कलर पिंक पर्पल और आप होलोग्राफिक कलर भी बोल सकते हैं उस पर बाहर का पैकेजिंग है। तो इसके पीछे डिटेल्स पे कितना शेड है मेंशन किया गया है विथ नंबर। यहाँ पे टोटल 86 कलर अवेलेबल है और इसके नीचे पीछे ही इसका एक्सपायरी डेट और बाकी डिटेल्स भी मेंशन किया गया है, इंग्रेडिएंट से लेके और ये मेड इन चाइना है, कितना नेट ग्राम वेट है और स्कैनर भी दिया गया है। आप चाहे तो स्कैन करके भी ओरिजिनल और फेक चेक कर सकते हैं। तो बाहर का पैकेजिंग जितना कलरफुल है, अंदर का पैकेजिंग उतना ही सिंपल और सिल्वर कलर पे है और इसके ऊपर सेम प्रीटी ऑल सेट पैलेट और यू कैन वे लिखा गया है और इसके बैक साइड पे कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे एक मैग्नेट दिया गया है जहाँ से आप आई शेडो को ओपन कर सकते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, आप देख ही सकते हैं। और ये फोल्डेबल है क्योंकि इतना सारा कलर है तो पैलेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको फोल्ड करके आप कहीं भी ट्रैवल पे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ से भी आई शेडो पैलेट थोड़ा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है और बहुत सारा कलर इस आई शेडो पैलेट पे अवेलेबल है। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके स्वाचेस करके आप लोगों के साथ दिखाती हूँ और मैं हैंड स्वाचेस करूँगी। तो वीडियो को फर्स्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए दिया है ताकि वरना बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे मैं एक एक शेड को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर टिप्स की मदद से और आप कलर देख सकते हैं। इसमें कुछ शिमर्स कलर है और कुछ मैट कलर है। मैट कलर थोड़ा हल्का पाउडरी है बट पिगमेंट बहुत ही बढ़िया है और शिमर कलर एकदम बटर सॉफ्ट कलर पे है। तो आप ये कलर देख ही सकते हैं, मैं आगे कलर मेंशन करती रहूँगी। ये थोड़ा डीप ऑरेंज कलर में है और बाकी सब जितना सारा था वो ट्रांसल्यूशन कलर पे है। तो बहुत ही अच्छा पिगमेंट है पैलेट का और बहुत ही अच्छे से एक एक कलर ब्लेंड हो जाता है, पाउडर भी ब्लेंड हो जाता है और शिमर शेड तो आप मत ही पूछिए, इतना ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है। तो मैं क्लीन कर रही हूँ और नेक्स्ट दो जो शेड मतलब लेयर है मैं उसको भी हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैट कलर है और सारे मैट कलर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अप्लाई हो जा रहा है। नेक्स्ट रो पे सभी के सभी आपका शिमर शेड है और इतना अच्छा मेटलिक कलर, गोल्डन कलर, सभी कलर आपको मिल जाता है इस पैलेट पे। तो नीचे का दोष जो शेड है वो थोड़ा डार्क टोन पे है। फर्स्ट यहाँ पे गोल्डन कलर अवेलेबल है, पिंक शेड से ले के हर एक कलर का रेंज आपको मिल जाएगा, हल्का कलर से लेके डार्क कलर तक सभी कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पाउडर आपको थोड़ा बिल्ड करना होगा, बाकी बहुत ही अच्छा पिगमेंट है इसका। ये जो कलर है पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ग्रीन और गोल्डन कलर पे, थोड़ा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर पे भी है। तो बहुत ही अच्छा सभी कलर आपको मिल जाएगा इसी पैलेट पे। तो नेक्स्ट जो सेकेंड वाला रॉ है मैं वहाँ पर आती हूँ। स्क्वायर वाला बॉक्सेस है वो एक्चुअली हाइलाइटर, ब्लश और कंटूर शेड है, ऊपर वाला फेयर और नीचे वाला डार्क टोन के लिए। तो सभी का मैं स्वाचेस कर रही हूँ यहाँ पे अच्छे से, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। और तीन यहाँ पे ग्लिटर भी अवेलेबल है। तो ये है वाइट हाइलाइटर जो आप इनर कॉर्नर पे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, एक बेबी पिंक ब्रश है और एक ब्रॉन्जर टाइप का कंटूर है, एक नीचे बाकी सब आपको ब्राइटेस्ट कलर मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही हल्का शिमर से लेके डार्क शिमर तक भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये कलर पर्सनली बहुत अच्छा है, ये थोड़ा होलोग्राफिक में आता है। और नेक्स्ट ये जो ब्लैक देख रहे हैं इस पर भी शिमर अवेलेबल है। नेक्स्ट वहाँ पे मैक्सिमम मैट कलर ही है ज़्यादा और बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पे है और सभी का पिगमेंट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कुछ ही कलर है मुझे री अप्लाई करना पड़ रहा है, बाकी कलर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे प्रेस ग्लिटर है तो मैं यहाँ पे प्रेस करके अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा पर्पल होलोग्राफिक कलर पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है गोल्डन कलर पे और
उसके नेक्स्ट जो कलर है वो है डीप या फिर हॉट पिंक भी बोल सकते हैं। तीनों ही बहुत ही अच्छा है, आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको अप्लाई करने के लिए, ग्लू इस पे ही दिया गया है। नेक्स्ट कुछ कलर्स हैं जो बहुत ही अच्छा शिमर शेड है और आपको ज़्यादा पैलेट पे मतलब इन्वेस्ट करना नहीं है, इसी पैलेट पे आपको देखिए कितना सारा कलर इस पे अवेलेबल है। तो फाइनली ए वाला रॉ भी कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं इस पैलेट का सबसे कलरफुल वाला एरिया जो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ। कुछ मैट कलर हैं जिसको रीटच करना पड़ रहा है, बाकी एक ही स्वाच पे बहुत बढ़िया कलर दे रहा है और इसका शिमर तो एकदम बटर सॉफ्ट है, ब्लेंडेबल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इसको आप इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। मैं मैक्सिमम इसी को ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारा आई शेडो, आप कलर देख सकते हैं कितना ब्राइट है, तो मैं बहुत सारा आई शेडो पैलेट मेरे पास अवेलेबल है, मैं फिर भी इसी को प्रेफर करती हूँ। इस पे आपको योलो रेंज से लेके रेड, पर्पल, ब्लू सभी कलर मिल जाते हैं। इतना सब कुछ कलर आपको एक ही पैलेट में मिल जाना, बाप रे। और कुछ कुछ शिमर इसका इतना बढ़िया कलर है जो आपको बाकी पैलेट पे मिलेगा भी नहीं, और इसका रेंज भी बहुत कम है। नीचे मैं कोशिश करूँगी कि इसका मतलब लिंक दे दूँ मैं, और इसका प्राइस लगभग आपका 1200-1300 के समथिंग ही है और बहुत ही बढ़िया कलर है। तो लास्ट ड्रॉ भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ स्वाचेस जो ग्रीन और ब्लू में है, कुछ शिमर से और कुछ मैट कलर में है, कुछ को रीअप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ को बिल्कुल भी नहीं, और इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप देख ही सकते हैं। तो ये लास्ट शिमर कलर है जो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट स्काई कलर, ब्लू कलर और कुछ पर्पल कलर यहाँ पे है जो बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत ही कलर अच्छा लगता है। मैंने सभी कलर का स्वाचेस कर लिया है और मुझे बार बार यहाँ पे क्लीन करना पड़ रहा है, फिर भी देखिए इसका पिगमेंट कितना बढ़िया है और इतना सारा कलर वेस्ट हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और ये रहा ओवरऑल आई शेडो पैलेट का रिव्यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कॉमेंट, शेयर और कॉमेंट करना प्लीज़ मत भूलना। तो आप इसे ज़रूर परचेस करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।